पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जा चुके हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने 3 बार बंगाल का दौरा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने भी 3 बार बंगाल का दौरा किया है, जिससे यह पता चलता है कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की कोशिशें कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह ने 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं परिवर्तन यात्रा के दौरान अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि टीएमसी केवल लोगों को बहकाने का काम करती है और बंगाल के लोगों को भ्रमित करती है, लेकिन बीजेपी बंगाल में विकास का काम कर रही है और चुनाव जीतने के बाद बंगाल के लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी देंगी। वैसे आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस बार जो कोशिशें कर रही है, उससे बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।